भक्तों, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आज हम बताएंगे शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। आप लोग साथ में पढ़िए। और कहते हैं शिव पंचाक्षर स्तोत्रम सावन के महीने में या हरदम शिवलिंग के सामने, मंदिर के सामने, शंकर जी के शिवलिंग के सामने जल चढ़ाने के बाद इसका पाठ करना चाहिए, तो शिव जी भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री पंचाचार्य स्तोत्रम। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय बस मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै माकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाज बृंद सूर्यादक्षर नाशिकाय श्री नीलकंठाय बस ध्वजाय तस्मय श्री काराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्थ मुनीन्द्र देवा रचित शेखराय चंद्रार्क वैश्वनर लोचनाय तस्मै वाकाराय नमः शिवाय। यच्छ स्वरूपाय जटाधाराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय दिवाय दिगंबराय तस्मै आकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षर मिदं पुण्यं या पठेची वा सत्रिधौ पठेची वा सन्निधौ शिवलोकमवाप्रयोति शिवेन सह मोदते। ये पंचाक्षर स्त्रोत नित्य प्रति शिवलिंग के शंकर जी के सामने या घर में शंकर जी के सामने मूर्ति फोटो के सामने बैठकर इसका पाठ करें तो समस्त दुख कष्ट दूर होते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।